यहाँ जो हम लोग बैठे हैं किसी एक को जिम्मेवारी देंगे, एक उसका छोटा सा अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना के सारी चीज उस चीज की शेयर कर ली जाएंगे। हाँ, आगे से एक ग्रुप हम मैनेज करेंगे, हम लोग मैनेज करेंगे, बिल्कुल दूसरे से जुड़ जाएं। बिल्कुल ब्रदर, मेरे भाई मेरे गुरु आ चुके हैं बड़े भैया, जो मैंने आपसे जिक्र किया था, सागर जी कपड़ेकर। और केले को लेकर हम सब बैठे हैं, इसीलिए केले के इंडिया के अच्छे बेस्ट वक्ता, सिखाने वाले, माल खरीदने वाले, गाइडलाइन देने वाले, ऑल इन वन। ठीक है, तो भैया अभी तक इनसे जो चर्चा हुई मेरी, इनको मैंने बी किसान का प्रेजेंटेशन दिया और इनसे समझा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ठंडी का यहाँ पर टाइम है 90 से 100 दिन, हेवी ठंड रहती है यहाँ पर। 15 नवंबर के बाद से 25 डिग्री के अंदर हो जाता है और 15 मार्च तक 25 डिग्री के ऊपर जाता नहीं है। 15 मार्च की बात कर रहे हैं, हाँ, इसके अंदर हो जाता है, 25 के अंदर हो जाता है। 15 मार्च के बाद ही फिर 25 के ऊपर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पर। अभी नेक्स्ट में जो लगने वाला है लगभग 1.5 से 2 लाख पौधा लगने वाला है ना विकास, अगले साल में ज़्यादा 2 लाख के ऊपर नीचे रहेगा। लगभग 2-3 कंपनियां हैं, जैन है, रेवा है, अगर सब मिल करके। पिछले साल कितना था? एक लाख के करीब था। कुछ अच्छा किया है, समय लग रहा है लगभग 14-15 महीने हार्वेस्टिंग में, 16 महीने के लगभग। जैसे प्लांटेशन किया तो हार्वेस्टिंग आता है, जैसे गुरमीत भाई का प्लांटेशन था जो जून में, तो हार्वेस्टिंग कब हुआ था आपका? कटिंग अगस्त में हुई थी। जिनकी प्रैक्टिस ठीक है वो 13 से 14 महीने टच कर रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी गड़बड़ है वो 16 महीने तक 18 महीने तक कटिंग हो रहा है प्लांटेशन के बाद। वाटर मैनेजमेंट इनका है, फ्लड इरिगेशन सबका, पीली मिट्टी रेतीली टाइप है और पानी पूरा खुला देते हैं, जैसे चावल में पानी भरते हैं। अच्छा। इस तरीके से पानी भरते हैं, डोल दे करके एकदम से खुला दे करके फिर निकल जाता है, उस टाइप से पानी देते हैं। ड्रिप इरिगेशन है नहीं, कहीं भी नहीं है। हम अच्छा अगर उत्पादन देंगे, पैसे कमाएंगे तो ड्रिप डाल सकते हैं। मैंने आपकी तरफ से बोल दिया है, किसी ने ड्रिप लगाई थी गाजीपुर में, वो करेंगे एक पैसे की मेरी ठीक बात करेंगे। नेगेटिव रिजल्ट आया था थोड़ा सा, फंगी साइड इनको ज्यादा जो दिक्कतें आ रही है, फंगस की ज्यादा दिक्कत लग रही है। फर्टिगेशन का शेड्यूल किसी के पास है नहीं और कौन से खाद के साथ कौन सा खाद मिक्स करना है वो है नहीं, और यही चर्चा चल रही थी। मैं इनसे पहले क्वेश्चन ले रहा था कि आपको दिक्कतें क्या है, तो यहाँ तक मैं पहुंचा था। ब्रदर इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों के और कोई केले को लेकर के क्वेश्चन है कि आपको जो दिक्कत है वो शेयर कीजिए, तो फिर हम एक एक को लाइन अप करते जाएंगे। एक जो मतलब रेटून क्रॉप होती है उसका हमें नहीं पता, सेकंड का रेटून क्रॉप का, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी रेटून में, ये समस्या जी। रेटून में हमारा पेड़ बहुत बड़ा चला जाता है, मैच्योरिटी ऑफ गेल जो बंच है वो बहुत मतलब टाइम बहुत ले जाता है, बहुत ज्यादा हाइट ज्यादा जाती है, समय ज्यादा लेता है। हाँ जी, व्यापारी सही है यहाँ पर? यहाँ पर एक इनके पास प्लस पॉइंट है भैया, उत्तर भारत में ये खुद है, यहाँ पर केला होता नहीं, यहाँ के व्यापारी जाते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तो उनका ट्रांसपोर्ट बचता है, तो यहाँ से इनको बिक्री की उतनी समस्या नहीं है। मतलब अगर अच्छा किया तो अच्छा लिया तो व्यापारी अपने आप इनके पास है, ज्यादा उतना केले को व्यापारी की टेंशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन कुछ कर सके तो देखेंगे। एक आप वो व्यापारी, एक आप वो करना जो अपना महाराष्ट्र का केला यहाँ मत भेजा, ये बात सही है। कदे कदे मावला की तरी खानी का इसकी कोशिश करेंगे कुछ हुआ तो जिंदगी का ही हो जाता है ना। जी जी, जब आप जो है बहुत अच्छी पैदावार लेंगे तैयार करेंगे तो यहाँ का यही होगा, तो यहाँ का यही रहेगा है ना। जब उनको नहीं मिल रहा तभी तो वो यहाँ इतना ज्यादा अपने क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं जो हम यहाँ दे रहे, तभी तो भारत से जा रहे हैं। आप लोगों की अभी जो बुकिंग हुई है वो कौन से टाइम में लगाने की हुई है?
जून 20 जून से और 15 जुलाई तक, 20 जून से 10 15 जुलाई तक। गर्मी गर्मी कब रहती है सबसे अच्छी? गर्मी जून में, जून में गर्मी में, मई जून में, मई जून में, अप्रैल में कब? अप्रैल में, मई में, अप्रैल में महाराष्ट्र जैसा मौसम हो जाता है जी। टेम्परेचर यहाँ जो है मई 20 के आसपास सबसे टॉप पे होता है जी, और ये जून 20 जून तक करता है, 45 टू 47 के आसपास जो है टच करता है मैक्स। भैया आप सही ज्यादा अच्छे बेस्ट से बात कर पाएंगे। अब बैठिए बैठ के कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी जनरल प्रैक्टिस है। उपस्थित सारे किसान भाई, हमारे बलराम जी पाटिल सर और हमारे नए सहयोगी, इनका मैं हमारी इस पाठशाला में स्वागत करता हूँ। मैं ऐसे ही महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम सागर कुपारडेकर है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ICAR में टेक्निकल डायरेक्टर भी हूँ, जो एक्रेडिशन बोर्ड पे काम करता हूँ। तो आना रहना जाना रहता है, सारी यूनिवर्सिटी में घूमना रहता है। मेरी करियर की शुरुआत ऐसे केले में हुई है, और वो फिलीपींस से हुई है जो दुनिया को केला खिलाते हैं, और वहाँ केले पे ही मैंने काम किया, जहाँ पे मेरा 14,200 एकड़ का सबसे छोटा खेत था, सबसे छोटा उनका 14,200 का एक प्लॉट सबसे छोटा था, इससे सब बड़े थे और उसमें हमने काम किया। वहाँ जाने के बाद जो केले में एक्सपीरियंस किया 2006 से 2007 के एंड तक, उसको मैंने पूरे वापस आने के बाद गुजरात में शेयर किया, गुजरात में एक्सपोर्ट का प्लान किया और बढ़ाया, महाराष्ट्र में बढ़ाया, आंध्रा में बढ़ाया, कर्नाटक में बढ़ाया, अभी MP चला रहे जी। और उसके साथ ही सरकार मेरा पहचान भी है और हम आगे बढ़ना शुरू किए, ठीक है। तो जितने भी आपके सवाल हैं हम एक एक करके आगे जाते रहेंगे। बनाना जो क्रॉप है उसको पहले समझते हैं। अभी हम अगर फिलीपींस को जाकर टच करते हैं, तो आज जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से वहाँ का टेम्परेचर और फिलीपींस का टेम्परेचर आप लगभग इक्वल टच करते हैं, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच वाला जो पठारी भाग है वहाँ पे केले की खेती होती है। लेकिन वो केले की खेती में ठंडक कम करने के लिए केनाल की सिस्टम को यूज करते हैं। जैसे ठंडा मौसम है और अभी जैसे धुमस गिर रही है, धुमस यानी आप जो बोलते हैं कि अभी फॉग बोलते हैं, गोरा, ये गिर रहा है, तो सब सुबह 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 हर 5 लाइन के बगल की छठी लाइन उसका एक पक्का कैनाल बनाया उन्होंने, छोटा सा कैनाल है, और वहां से सुबह सुबह जल्दी पानी को 80 किलोमीटर प्रति आवर्स के गतिविधि से पानी को भगाते हैं अंदर से खेत से। वो पानी जमीन में नहीं जाएगा क्योंकि वो सीमेंट की नाली है, लेकिन खाली घुमाते रहेंगे, ये घुमाने से ये जो कोरा है उसको खींचा जाता है और कोरा टूट जाता है, तो वहाँ पे गर्मी पैदा हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस उनकी लगातार 5 महीने चलती है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी 5 महीना है और वो ठंडी ऐसी ही है। तो बनाना जो है हिंदी समझ में आती है ना, सब बढ़िया। तो बनाना जो है उसको मिनिमम टेम्परेचर 18°C तक चाहिए, उससे नीचे जाएगा तो बनाना के बॉडी के अंदर, ये बनाना बड़े पत्ते वाला क्रॉप है, जितने भी पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर बड़े पत्ते वाले पाक है, इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, और पानी की मात्रा बॉडी में ज्यादा रहने की वजह से उसकी जो सेल है, पेशिया है, वो वाटर सेल होती है, पानी पे डेवलप होने वाली पेशिया। बाकी वाले जो क्रॉप है उसकी फाइबर डेवलप्ड सेल होती है, इसकी वाटर डेवलप्ड सेल होती है, और वाटर सर्वाइव्ड सेल होती है, इसकी वजह से पानी के अंदर ही तैरती है। और तो जैसे ठंडी आती है तो ठंडी से क्या होती है, ये सेल पकड़ में आ जाती है तुरंत, क्योंकि पानी है तो बॉडी में पानी जम जाता है, जम जाता है तो अपने आप उसको इंजरी बनती है, इन्हें जख्म होती है। तो इसकी वजह से ठंडी जितनी ज्यादा रहेगी उतना आपका जो डेवलपमेंट का समय है वो बढ़ता जाएगा। अभी बनाना जो है वो पानी ज्यादा होने से इसको सन लिविंग क्रॉप बोलते हैं, जितना ज्यादा लाइट सनलाइट उतनी जल्दी उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे आप गर्मी में देखोगे तो 5-5 दिन में एक एक पत्ता निकालता है, जैसे आप बारिश में जाओगे वो 8-8 दिन में एक पत्ता निकालेगा, जैसे आप ठंडी में जाओगे 9-10 दिन में एक पत्ता निकालेगा। इसकी वजह से आपके यहाँ जिसने ठंडी का पीरियड बढ़ता है, इसकी वजह से थोड़ा उसकी जो डिलीवरी का टाइम, प्रेगनेंसी का टाइम, उसके बाद हार्वेस्टिंग का टाइम, ये तीनों टाइम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उसको लाइट कम मिलती है तो उसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना है, इसके बारे में हम सविस्तर से बात करेंगे। आपके सभी पास टाइम है ना? हाँ, बहुत है। बहुत बहुत चाहिए, शाम तक खाली है, बोलते रहो। तो शुरू से हम आगे बढ़ते हैं। पहला, जैसे एक सर ने बात की भाई साहब ने, की बनाना अगर सक्सेस 100 सक्सेस करना है, और महाराष्ट्र का केला या आंध्रा का केला या कर्नाटक का केला,
इधर एमपी गुजरात का केला इधर लाना नहीं है, तो इधर का प्रोडक्ट अगर अच्छा हो हम वहां से केला भेजते हैं तो 6 रुपए का हमें ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है और केले का भाव होता है 10 रुपए, तो 60% तो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही है, फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। अगर उससे आपको 3 रुपए सस्ता भी रेट मिलेगा तो भी आपके 3 रुपए ज्यादा मिलने जैसा, लेकिन आपको उस क्वांटिटी को या क्वालिटी को टच करना है। जैसे आप उस क्वालिटी को टच करोगे अपने आप मार्केट डाइवर्ट हो जाएगा, ट्रांजिट पीरियड बड़े कम होगा, आपके लिए पास फायदा क्या है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथन वाली चीज क्या है कि आपका ट्रांजिट पीरियड 5 दिन से घट जाएगा, ट्रांजिट पीरियड यानी ट्रांसपोर्ट जो टाइम है वो जैसे 5 दिन से घटेगा तो केला बेचने की आसानी हो जाएगी, क्योंकि केला पकने के बाद 3रे दिन खराब हो जाता है। तो ये व्यापारी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इधर के केले में, क्योंकि उसका उनका केला अगर 5 दिन ट्रांसपोर्ट ट्रैवल्स में नहीं जाएगा तो अभी देखो 16 टन की हम गाड़ी भरते हैं, 21 टन की, 2 प्रकार की गाड़ी भरते हैं, खुली गाड़ी भाव के हिसाब से, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बॉक्स के हिसाब से करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सर। तो जैसे हम खुली गाड़ी भरते हैं तो नीचे ऊपर बगल वाली सारी मिलके 1700 से 1800 केजी यानी 17-18 क्विंटल जितना केला खराब हो जाता है यानी काला हो जाता है, तो उसको हमें आधे भाव में बेचना पड़ता है, उसका भी नुकसान वो कैलकुलेट पूरी गाड़ी पे करता है। ये सारे नुकसान इधर अगर लोकल में होंगे, हमारे यहाँ लोकल में केले का भाव, केले का व्यापार कैसे होता है, सुबह सुबह कैरेट की गाड़ी आ जाती है, कैरेट लेके आती है बगीचे में, यानी केले के बगीचे में कैरेट वाले घुसेंगे, दूरी से काट लेंगे, कोई नुंगर नहीं काटेंगे कुछ नहीं, दूरी से सीधा दूरी घुमाएंगे तो सब जो हैंड्स है वो हाथ में आ जाती है, उसको आराम से रख देंगे, सीधा लेके वॉशिंग करेंगे या कुछ करेंगे, डायरेक्ट प्री कूलिंग में रख के उसको डोजिंग करेंगे, पकाएंगे, बेच देंगे। ये इजी क्यों होता है, क्योंकि ट्रांजिट पीरियड है ये। लेकिन यहाँ से अगर कैरेट लेके वहां गाड़ी जाएगी तो यहाँ से 40,000 आंटी का 40 तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से रिलायंस ने बीच में फोल्डिंग वाले क्रेट बनाए थे, वो भी सक्सेस नहीं रहा क्योंकि उसके बाद में लॉक जो है वो खराब होने लगी। तो बनाना अगर आपको सक्सेस यहाँ करना है तो क्या क्या करना है, व्यापारी दृष्टिकोण से भी यहाँ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सक्सेस होंगे तो नहीं, तो एक दिन अगर 2 ग्रेड का, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड का केला अगर सालों दर साल पकाएंगे तो व्यापारी बोलेंगे कि नहीं यूपी का केला है ना 2nd ग्रेड आता है, तो 1st ग्रेड के लिए वो आंध्रा भागेंगे क्योंकि डिमांड जैसी है वो ही बिकेगा, सही है ना। हमारे यहाँ भी लोगों ने एप्पल बनाने का ट्राई किया, बीच में एप्पल बोर बनाया, आधा एप्पल आधा बोर बन के क्रॉसिंग करके कुछ वैरायटी बनी एप्पल बोर, लेकिन एप्पल की टेस्ट आई नहीं तो बाद में लोगों ने छोड़ दिया, वो अभी केला अंगूर पोमोग्रेनेट यानी दाड़म यही पका रहे थे, ठीक है, जो अच्छा पकता है। तो इस हिसाब से अगर केला यहाँ पकाना है तो उसका मिनिमम टेम्परेचर है 20-18 से नीचे आएगा तो उसकी जो पेशियां है वो टूट जाती है, जैसे पेशी टूटेगी वो जो धार है, धार यानी बगल है पत्ते की, उसको पकड़ के वो येलो होना चालू हो जाएगा, उसके बाद जो नई सेल की डेवलपमेंट है पेशियों की वो रुक जाएगी और खुराक बना के यानी अनाज बनाने का प्रोसेस सरप्राइजिंगली रुक जाता है। इसके लिए उसको 18 से नीचे टेम्परेचर नहीं चाहिए, आएगा तो क्या करना है, उसके लिए भी हम कुछ रास्ते ढूंढेंगे जो सक्सेस रास्ते हैं, ठीक है। तो केला अगर सक्सेस करना है तो पहला, सबसे पहला बदलाव करना है, उसको चाहिए ड्रिप, कंपलसरी चाहिए। आप बोलते हो सक्सेस नहीं है, क्यों नहीं है, इसके लिए हम इवॉल्व करेंगे। अभी ड्रिप में खर्चा भी कितना जाता है, पहले जितना भी ड्रिप में पैसा जाता भी नहीं है, पहले जब ऑनलाइन था, ऑनलाइन ड्रिप था तो बहुत खर्चा जाता था, अभी इनलाइन आ गया, इनलाइन में भी ISO सिंपल सादा 5 साल वाला भी आ गया है, सिंपल जो कम पैसे में हम डाल सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से एकड़ में 18 से 19 हज़ार का खर्चा करेंगे तो एक ड्रिप लग जाता है, 18-20 में लग जाएगा आराम से, और वो भी बेस्ट क्वालिटी, जो भी 7-8 साल तक कम से कम निकल जाएगा। हमारा सब्सिडी है इस पे, 90% तो आपके लिए बोनस है, क्योंकि ड्रिप क्यों चाहिए वो मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी बनाना को अगर सक्सेस करना है तो पहला प्लांटेशन बेड पे लेना है। आप बेड पे प्लांटेशन लेंगे, बेड पे प्लांटेशन लेंगे तो बनाना 1 से 1.5 महीना जल्दी हार्वेस्टिंग में तैयार होता है, अभी वहां पे अपना 1.5 महीना बच गया। अभी 1.5 महीना बचने से फायदा हुआ, खर्चा बचा, अपनी मेहनत बची और मार्केट को हम चेस कर सकते हैं, ये पहली बात होगी। और उसको अगर टाइम पे ग्रोथ के लिए अगर एनवायरमेंट मिलेगा तो हर एक स्टेज उसकी सही ढंग से डेवलप होगी, अगर उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा तो हर एक स्टेज में वो गैंगर्ड होगा, गैंगर्ड यानी हर एक स्टेज में वो स्ट्रगल करते 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 बॉडी के एंटीबॉडीज को यूटिलाइज करेगा, और जैसे एंटीबॉडीज को यूटिलाइज करेगा क्वालिटी उसकी धीरे धीरे कटती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, जितनी चाहिए उतनी क्वालिटी एक्सपेक्टेड उसको आपको मिलेगी नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, बेड पे लेना है, ड्रिप लगाना है, ये 2 बातें करनी है। इसके लिए हम कर सकते हैं क्या, इसको अभी थोड़ा सा
समझते हैं, समझ में आ रहा है ना? कुछ कुछ लोग उठ रहे हैं तो ठीक है ना। बनाना जो है इसको सबसे पहले बेड पे लगाना है। बेड पे क्यों लगाना है ये क्लियर करता हूँ, और ड्रिप क्यों लगाना है वो भी क्लियर करता हूँ। बेड पे क्यों लगाना है, क्योंकि बनाना जो है उसको जब शुरू में ट्यूबर डेवलप होता है, सबसे पहली अवस्था होती है ट्यूबर डेवलपमेंट अवस्था, यानी ट्यूबर यानी समझ में आता है उसका कंद गठा गठा बल नीचे जो, हाँ नीचे गांठ जो होती है गांठ, उसका पहले जब लगाते हैं तो उसके गांठ का विकास होता है। जैसे गांठ का विकास उसका 27 डेज तक पहले चलता है, जैसे 26 किया पहले 27 दिन तक वो गांठ के साइज को इम्प्रूव करेगा, और जितनी गांठ की साइज बड़ी होती जाएगी उसकी उतनी आंखें मूलियों की आंखें बढ़ती जाएगी, साइज बढ़ेगी मूलियों की आंखें बढ़ती जाएगी, और जितनी मूलियों की आंख जो आईबर्ड है वो बढ़ेगी उतनी मूलियां रूट जो है उतने ज्यादा रूट उसको मिलेंगे। और बेड पे ही क्यों लगाना है, बनाना में जो पहले जो रूट आते हैं वो बड़े बड़े जो रूट रहते हैं मूड होते हैं, वो जो मूड है वो पेड़ को खड़े रहने के लिए काम करते हैं, रनर रूट्स बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं रनर रूट्स। और ये रनर रूट्स इसके जिंदगी में एक ही बार आते हैं, इन जिंदगी में क्या आता है एक ही बार आते हैं। और आराम से दूध मंगवाओ चाय ना पी लो। अच्छा बहुत मस्त अंकल है साहब, मिलते क्या भैया आपका बस थोड़ी सी देर तक बात संजीव देवल छोड़ा कंबू चौधरी नरेंद्र छोड़ा कंबू